हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 स्टोमाटा जाइलम रूट हेयर्स फ्लोएम। कॉलम 2 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, सिंपली उसको मैच करना है। सो फर्स्ट इज योर स्टोमाटा। स्टोमाटा इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। जो टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीफ पे, वो है आपका स्टोमाटा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमाटा के थ्रू में बैक टू द एटमोसफियर चला जाता है। दिस इज़ योर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर जाइलम। जाइलम क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका मेजर फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज योर रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स का क्या मेजर फंक्शन है, हमें पता है। देखो रूट का क्या फंक्शन होता है, सॉइल से नेसेसरी वाटर, नेसेसरी मिनरल्स को एब्जॉर्व करना। तो यही आपका रूट हेयर्स इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड हार्ट से होते हुए हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी पे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आर्टरीज। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है, रेड ब्लड सेल पे। आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय, किससे जॉइंट है, बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द रिदमिक एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट का जब एक रिदम में एक्सपांशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, उसी को बोला जाता है हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज, ह्यूमन बींग्स में जो मेन एक्सक्रीटरी दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट वो कौन सा है, यूरिया। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड स्वेट में क्या होता है, वाटर होता है एंड ऑल्सो सॉल्ट होता है। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। जो किडनी है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम द बॉडी इन द लिक्विड फॉर्म, उसको बोला जाता है यूरिन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। तो ट्रीज़ पे देखो क्या होता है, जो सक्शन पुल है, सक्शन पुल के हेल्प से क्या होता है, वाटर नीचे से ऊपर के डायरेक्शन पे आता है। तो ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का हेल्प से। ट्रांसपिरेशन हमें पता है, जो एक्सेस वाटर वो क्या होता है, थ्रू द लीव्स वो क्या होता है, बैक टू द एटमोसफियर चला जाता है। जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है तब सक्शन पुल बनता है, जो क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन पे खींचता है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। अभी जस्ट हमने देखा था, क्योंकि जाइलम का हेल्प से वाटर रूट से लीफ तक पहुंचता है। सेकंड क्या है, देखो वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो हमें पता है दैट रूट का क्या फंक्शन है, वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पर जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला है दैट वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय कीपिंग द प्लांट्स अंडर द फैन। बिकॉज देखो रीज़न बहुत ही सिंपल है, जब हम लोग प्लांट्स को फैन के अंडर पर रखते दैन वॉट हैपन्स, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, रिजल्टिंग इन द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्योंकि हमें पता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। नाउ यहाँ पे क्या है, आपका फैन ऑन है, देन अंडर द फैन क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इवापोरेशन वो इंक्रीज हो जाता है। एंड तब क्या होता है, पानी का कमी होने लग जाता है, देन उसको क्या करता है, रूट्स उसको एब्जॉर्व करता है, क्योंकि ये जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जा रहा है अंडर द फैन। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वेरियस नेसेसरी सब्सटेंसेस टू कैरी आउट मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो
Transport of materials is necessary to supply the required substances and to remove the waste product. क्वेश्चन में जैसे आपको बोला था प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स दैट इज मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो आपको बताना है। तो एकदम बेसिक से समझते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स एनिमल्स, सबको क्या चाहिए, दे नीड फूड ऑक्सीजन एंड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑक्सीजन एंड वाटर नहीं होगा उनके बॉडी पे दैन द बॉडी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास फूड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, वाटर नहीं होगा। हमारे बॉडी के हर एक सेल पे जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट होना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है वेरियस जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसको कंडक्ट करने के लिए आपका जो मटेरियल वो हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। एंड एट द एंड क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम द बॉडी एंड उसको एक्सपेल आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉक्सिन है, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आर बॉडी। जैसे लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी, बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का बहुत ही नेसेसरी है टू सप्लाई द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस, बॉडी में जो भी चाहिए हमें उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, एंड जो भी एट द एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिलीज होता है उसको एक्सपेल करना फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं होगा देन क्या होगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है प्लेटलेट का, वो भी आपको बताना है। नाउ लेट्स सी द आंसर, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड वुड नॉट क्लॉट इन केस ऑफ एन इंजुरी, दिस विल लेड टू एक्सेस ब्लड लॉस एंड फाइनली इन डेथ ऑफ द पर्सन। तो ब्लड प्लेटलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी पे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, राइट। ब्लड खुद से क्या होगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा अगर प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं होगा। सो अगर कोई भी एरिया पे सपोज आपका कट लग गया ना, आपका ब्लड प्लेटलेट नहीं, देन व्हाट हैपेंस, ब्लड विल कंटिन्यू टू फ्लो आउट एंड इवेंचुअली द पर्सन डाई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, एंड सेकेंड पार्ट गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमाटा क्या है, द न्यूमरस पोर्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ, वो है आपका स्टोमाटा। प्लांट्स के लीफ पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोला जाता है स्टोमाटा। नाउ इसका मेजर क्या फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। जो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। फिर स्टोमाटा क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, दैट इज जो एक्सेस ऑफ वाटर वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर।